हे गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग से बात करने वाला हूँ व्हाट इज़ पावर। क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अधिकतर हम लोगों को ये सुनने मिलता है कि पावर चला गया है, पावर आ गया है, उस फीडर का पावर ऑन कर दो, MCC7 का पावर ऑन कर दो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ पावर से रिलेटेड, क्योंकि आखिर ये पावर क्या है और इस पावर को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ पावर। तो पावर इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, यानी कि कार्य करने का क्षमता को जो है पावर कहा जाता है। गाइस, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कंडक्टर पे पावर जो है कैसे अप्लाई किया जाता है। बहुत सिंपल सा है, प्लीज़ मेरे बातों को ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, किसी भी कंडक्टर पे अगर हम सप्लाई देते हैं, यानी कि वोल्टेज अगर देते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करना स्टार्ट करता है। अगर हमारा सर्किट क्लोज लूप में है तो इनका मतलब कुछ ना कुछ तो कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है जो कि हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ पावर का फॉर्मूला। तो गाइस, ये पावर के फॉर्मूले को दो तरह से डिनोट किया जाता है, एक है थ्री फेज के लिए अलग और सिंगल फेज के लिए अलग। तो अगर थ्री फेज के लिए देखते हैं तो उसमें है P=√3VI cos θ और सिंगल फेज के लिए P=VI cos θ। यानी कि थ्री फेज में जो है हम लोग √3 का मल्टीप्लाई करते हैं और सिंगल फेज पे √3 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है। तो आपको ये बात को याद रखना है कि थ्री फेज का जब भी आप पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो है √3 का मल्टीप्लाई करना है। गाइज, आपको एक बात का याद रखना है, ये जो cos phi है ये पावर फैक्टर को डिनोट करती है। आपको जो ये पावर का फॉर्मूला बताया, इस पावर के फॉर्मूले से हम लोग जो है चार पैरामीटर्स को बहुत आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले पावर फैक्टर, दूसरा करंट, तीसरा वोल्टेज, चौथा हो गया हमारा पावर। ठीक है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई एक 5.5 किलोवाट का जो है मोटर है, अगर उसका हमें जो है वोल्टेज बता दिया गया, अब हमें जो है फुल लोड करंट उसका जो है पता करना है, तो हम लोग जो है इस फॉर्मूले से बहुत आसान तरीके से जो है पता कर सकेंगे। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो पावर है इसका यूनिट है वाट, और वाट से अगर बड़ा यूनिट देखा जाए तो ये किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट में जो है कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। गाइस, इस चैनल का बनाने का मकसद बस मेरा इतना ही है कि इंडस्ट्रीज में जो भी बंदे काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी पर्सन काम कर रहे हैं ना, उसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, शायद आप करंट पे, वोल्टेज पे, या फिर कहीं भी काम कर रहे हो, किसी भी फीडर पे काम कर रहे हो, तो एक टेक्निकल नॉलेज तो उसे होना चाहिए, जिससे कि उनके देखने का जो नज़रिया है ना वो बदल जाता है और काम करने में भी जो है आपको इंटरेस्ट आएगा। तो गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।